आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या जानवरों को भी इंसानों की तरह पीरियड्स आते हैं। जैसा कि हमने पीरियड्स पे बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, लेकिन उनमें एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मैम, जैसे इंसानों को पीरियड, इंसानी मादाओं को पीरियड आता है हर महीने, क्या हमारे कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनको पीरियड्स आता है? तो आज हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या जानवरों को पीरियड्स आता है मनुष्यों की तरह या नहीं आता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हम आप सभी का अपने चैनल जस्टफुल क्लासेस में स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जानवरों को भी पीरियड आता है या नहीं। तो इसका जवाब रहेगा हाँ, बिल्कुल, जानवरों में भी मासिक धर्म होता है और जानवरों को मासिक धर्म के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी जो जानवरों में पीरियड से वो दो तरीके का आता है, पहला होता है हमारा मद चक्र और दूसरा होता है ऋजु चक्र। यानी अब आपको समझना होगा ध्यान से, ठीक है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पीरियड के आधार पर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, पहला होता है हमारा रज चक्र और दूसरा होता है मद चक्र, ठीक है? तो रज चक्र और मद चक्र में डिफरेंस क्या है? रज चक्र मनुष्यों में होता है, ठीक है, और कुछ जंतुओं में, और जो हमारा मद चक्र है ये भी जंतुओं में होता है, लेकिन कैसे? नॉन प्राइमेट जंतुओं, ठीक है? मनुष्यों तथा प्राइमेट जंतुओं में रज चक्र होता है प्राइमेट में, और मद चक्र नॉन प्राइमेट जंतुओं में होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है प्राइमेट क्या है, नॉन प्राइमेट क्या है, बाकी चीजों में। तो जरा सबर करो, धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को समझेंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जिस तरीके से मनुष्य की मादाओं में पीरियड आता है, उस तरह से कितने जानवरों में पीरियड देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, हमारे जितने भी प्राइमेट जंतु हैं, प्राइमेट का मतलब ऐसे जंतु जिसके जिसके पूर्वज बंदर है, ठीक है, जितने भी जंतु जिनके पूर्वज बंदर होते हैं, उन सभी में मद चक्र नहीं बल्कि रज चक्र पाया जाता है। यानी हर महीने उनके शरीर में इंसानों की तरह पीरियड आता है। हाँ, समय अलग अलग हो सकता है, हर जंतु का समय अलग अलग है। जैसे महिलाओं में क्या होता है, जो हमारी इंसानी महिलाएं हैं, उनके शरीर में हर 28 दिन पर पीरियड आता है, जिसके कारण उनके शरीर में जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय के चारों तरफ एक परत बनता है जिसको एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। ये परत और अंडा टूटता है, टूट करके योनि से बाहर निकल जाता है। नॉर्मल हमने पीरियड के बारे में आपको यही बताया कि जितने भी प्राइमेट जंतु होते, जितने भी प्राइमेट, प्राइमेट का मतलब ऐसे जंतु जिनके पूर्वज बंदर है, उन सभी में हर महीने अंतरा गर्भाशयी परत का निर्माण होता है, और जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये परत और बना हुआ अंडा दोनों टूट करके महिला के योनि से बाहर निकल जाता है। इसी को हम आतर्व चक्र, रज चक्र, मासिक धर्म, पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म, बाकी नामों से जानते हैं। और याद रखना, ये प्रक्रिया एक निश्चित समय पर शुरू होता है, यानी ये ऐसा नहीं कि पैदा होते ही शुरू हो जाएगा, नहीं, ये सभी जंतुओं में एक निश्चित समय पर शुरू होता है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाता है। यानी जब जनन काल शुरू होता है तो ये प्रक्रिया मादाओं में शुरू हो जाएगा, और जैसे ही जनन काल खत्म होता है ये प्रक्रिया रुक जाता है। तो जानते हैं कि ये प्रक्रिया किसमें होगा, तो प्राइमेट्स, यानी ऐसे जंतु जिसके पूर्वज बंदर है, उनको क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। जैसे बंदर हो गया, वानर हो गया, मनुष्य हो गया आपका, ठीक है, लंगूर हो गए, ये सारे क्या, ये सारे के सारे प्राइमेट जंतु है, इन सभी के पूर्वज बंदर है, और इन सभी में, इन सभी की महिलाओं में, याद रखना पुरुष में नहीं, इन सभी की मादाओं में हर महीने मासिक धर्म होता है। बस सबका मासिक धर्म अलग अलग है। जैसे इंसानों में दो पीरियड के बीच का समय 28 दिन का होता है, यानी दो पीरियड के बीच में 28 दिन का गैप होता है, वहीं पर मादा बबून एक प्रकार का आपका क्या है, ये बंदर है, इसमें जो पीरियड है इनका मासिक धर्म 33 दिन का, यानी इनमें दो पीरियड के बीच में 33 दिनों का गैप होता है। वहीं पर मादा रिसस बंदरों की बात करें तो इनके मासिक धर्म में इंसानों की तरह 28 दिनों का गैप होता है। वहीं पर अगर चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी में भी पीरियड्स आते हैं, और कुछ चिंपांजियों का मासिक धर्म 28 दिनों का होता है, तो वहीं पर कुछ चिंपैंजी ऐसे होते हैं जिनमें दो पीरियड के बीच में 45 दिनों का समय होता है, ठीक है। और आपको बता दें, अभी तक में तो ये आपने देखा कि जितने भी हमारे क्या है, जिनके पूर्वज बंदर है, उन सभी के अंदर पीरियड आ रहा है, ठीक है।
तो इंसान हो गया, चिंपैंजी हो गया, लंगूर हो गया, बंदर हो गया, ठीक है। इन सभी में हर महीने जैसे इंसानों में पीरियड आता है, सेम उसी तरीके से इन मादाओं में भी पीरियड आता है। पीरियड क्यों आता है? हार्मोन में बदलाव के कारण। महिलाएं तो पीरियड के दौरान दर्द होता है, वो बंदरों में भी होगा। महिलाएं पीरियड के दौरान पैड का इस्तेमाल करती है लेकिन बंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अगर कई बार नोटिस किया होगा तो जो फीमेल जितनी भी मादाएं होती हैं, बंदर में जितनी भी मादाएं होती हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी पीछे का जो हिस्सा होता है वो लाल देखने को मिलता है। वो लाल रंग इसी के कारण होता है, पीरियड के ब्लड के कारण ही उनके पीछे का हिस्सा आपको लाल देखने को मिलेगा। लेकिन आपको दो अपवाद भी बता दें, चमगादड़ और छुछुंदर, ये आपके प्राइवेट कैटेगरी में ही आते हैं और इनमें भी पीरियड आते हैं। जो छुछुंदर होते हैं, चमगादड़ होते हैं, आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि इनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं बंदर थे, क्योंकि इनमें भी पीरियड्स देखा गया है। और इनका साइकिल 33 दिनों का होता है, यानी इनमें दो पीरियड के बीच में 33 दिनों का समय होता है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मनुष्यों की तरह रज धर्म, मासिक चक्र और किन किन जंतुओं में पाया जाता है और कौन से जंतु मनुष्यों की तरह ही पीरियड्स का सामना करते हैं हर महीने। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां जानेंगे कि वो कौन से जंतु हैं जो मनुष्य की प्रजाति के तो नहीं है, जिनके पूर्वज बंदर नहीं है, लेकिन उनके शरीर में कौन सा पीरियड आता है, यानी उनके शरीर में मद चक्र कैसे चलता है। अभी हमने बात किया है रज चक्र का। रज चक्र मतलब जितने भी हमारे प्राइमेट जंतु हैं उनके शरीर में हर महीने हार्मोन का बदलाव होता है, इसको रज चक्र के नाम से जानते हैं। और जितने भी हमारे नॉन प्राइमेट जंतु, यानी ऐसे जंतु जिनके पूर्वज बंदर नहीं, उनके शरीर में मद चक्र चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मद चक्र पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।